नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम चिराग है और आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया 47। आज हम बात करेंगे ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था काले अंधेरे के अलावा। फिर इसी काले अंधेरे में से काया, टार्टरस और एफियस का जन्म हुआ। बिना किसी आदमी की सहायता के काया ने यूरेनस और फैंटस को जन्म दिया। बाद में काया ने यूरेनस के साथ मिलकर टाइटंस प्रजाति को जन्म दिया, जिन्हें हम राक्षस बुलाते हैं। इन्हीं टाइटंस प्रजाति में हेकाटोम्फ्रिस और साइक्लप्स का जन्म हुआ। हेकाटोम्फ्रिस और साइक्लप्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थे, इसलिए यूरेनस ने उन्हें अंडरवर्ल्ड में बंद कर दिया। साइक्लप्स एक हाथ वाला जानवर और हेकाटोम्फ्रिस 100 हाथों वाला राक्षस था। काया के सभी बच्चों में क्रोनस सबसे ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए काया और क्रोनस ने मिलकर अपने पिता यूरेनस को हराकर राजगद्दी पर बैठने का तय किया। काया चाहती थी क्रोनस अपने पिता को हराकर अपने भाइयों को आज़ाद करवा दे, लेकिन क्रोनस यूरेनस पर हमला सिर्फ अपनी माँ काया के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की इच्छा के लिए करना चाहता था, क्योंकि क्रोनस जानता था कि जो बाप अपने बड़े बच्चों को कैद कर सकता है वो उसे भी कैद कर सकता है। फिर एक दिन मौका पाकर क्रोनस ने अपने पिता पर एक जान घातक वार किया, जिससे यूरेनस की मौत हो गई। अपने पिता को हराने के बाद क्रोनस यूनिवर्स का राजा बन चुका था। यूनिवर्स का राजा बनते ही क्रोनस ने अपना मन बदल लिया और अपने भाइयों को छुड़ाने के बजाय अपने 6 और भाइयों को अंडरवर्ल्ड में बंद कर दिया। ग्रीस मिथोलॉजी में क्रोनस को सबसे क्रूर और बेरहम शासक माना जाता है, फिर भी उसके राजपाट को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि उसी के राजपाट में सबसे पहले इंसानों का जन्म हुआ था। उसके बाद क्रोनस ने अपनी बड़ी बहन रिहा से शादी कर ली। शादी करने के बाद क्रोनस को एक ऐसी भविष्यवाणी का पता चला जिसके अनुसार क्रोनस की एक संतान उसे हराकर उसकी राजगद्दी हासिल कर लेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने अपने पिता को हराया था। ये भविष्यवाणी सुनकर क्रोनस काफ़ी परेशान हो गया, तो उसने फैसला किया कि वो रिहा की होने वाली हर संतान को कच्चा ही निगल जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। इस तरह क्रोनस अपनी हर संतान को कच्चा ही निगल पड़ा। इससे रिहा बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी रहने लग गई, और उसका एक और बच्चा पैदा होने वाला था। रिहा अपनी इस आखिरी संतान को वही मंजर के साथ गुजरता नहीं देख सकती थी जो बाकियों के साथ हुआ। अब रिहा की आखिरी संतान ज्यूस पैदा हो चुका था और रिहा उसे हर हाल में बचाना चाहती थी, तो उसने एक पत्थर को कपड़े के साथ लपेट दिया और क्रोनस को दे दिया। क्रोनस ने उसे भी निगल लिया। अब क्रोनस को लगा कि
कि सारा खतरा टल चुका है, लेकिन ज्यूस अभी जिंदा था। ज्यूस किसी और जगह पला बड़ा और बड़ा होकर अपने पिता यानी क्रोनस से सख्त नफरत करने लगा।